यार ये देखे, ये एक मिनट, आपने ये माना कि नबी ने बुरा काम किया, आपने ये भी माना कि जो बुरा काम करे वो इंसान बुरा, तो नबी ने जब आप ये मान चुके हो कि बुरा काम किया स्लेव के साथ सेक्स करके, तो वो बुरा इंसान हुए ना। तो इसमें यार देखो, आपका नाम तो इधर है नहीं ओरिजिनल वाला, आपको क्या डर है कंफर्म करने के लिए, बोलो बुरा इंसान है वो। लेकिन उस एक मैं आपका अगला सवाल ले रहा हूँ, लेट्स बी ऑनेस्ट, आपने इतना जब बोल दिया कि बुरा काम किया रसूलुल्लाह ने, आप ऑलरेडी इस्लाम से बाहर हो, ट्रस्ट मी, आप दुनिया के इस बात के कहने पे आप 110% जो है वो इस्लाम से बाहर है, सिर्फ ये कह देने पे कि आपके रसूल ने बुरा काम किया, यू आर आउट ऑफ इस्लाम। गो एंड आस्क एनी डैम मुफ्ती मौलाना इन दी होल वर्ल्ड कि मैं ये मान के आई हूं, ये मैंने कहा है कि नबी ने बुरा काम किया, यू आर आउट ऑफ इस्लाम ऑलरेडी, बी ऑनेस्ट। और देखिए आप एक अच्छी खवातीन है, आप मुझे खुद बोलिए, ये तो हो गया कि आपने रसूल को बुरा इंसान मान लिया, तो जो बुरा इंसान हो वो नबी नहीं हो सकता। अच्छा मैंने इंसान हाँ, की बात नहीं की, मैंने इस एक्ट को गलत कहा है। ना 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 ना, ना। मैंने ये पूछा था कि जब आपके रसूल ने सेक्स किया तो उन्होंने बुरा काम किया या नहीं किया, आपने कहा हाँ बुरा काम किया, और फिर हाँ, अभी मैंने जब आपसे मैंने काम को बोला, काम को बोला, अरे जब अभी पूछा कि जो बुरा काम करे वो बुरा होगा या नहीं होगा, तो अभी आपने कहा ना बुरा होगा वो आदमी। यार देखो हाँ, ये चालाकी, इसी वजह से तो मैं ये नोटपैड भी रखता हूँ, ताकि ना आप अपनी बातों से मुकरे नहीं। जो गलत, देखो कृष्णा जी, इंसाफ की बात तो यही है कि गलत को गलत कहा जाए, अगरचे वो हमारे खिलाफ क्यों ना हो। आप खुद सोचो, अच्छा, कृष्णा जी आप खुद सोचो, आप सुनो तो सही मेरी बात। आपके रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स किया, बुरा काम किया, उनको बाकायदा मार्केट में बेचा, बुरा काम किया, अपने आप को उन स्लेव्स की जगह पे आप रख के देखो, अगर कोई आपको स्लेव बना ले, आपके साथ सेक्स करे, क्योंकि आपने ये भी कंफर्म किया कि मैं उसको कंसेंट नहीं दूंगी, जो हमला करके आके मेरे ऊपर हमारे घर वालों को मार दे और मुझे स्लेव बनाने, मैं कंसेंट नहीं दूंगी, वो मेरा रेप होगा, मेरी ताकत नहीं है, तेरे पास ताकत है, तू मेरे ऊपर चढ़ जा, जो कुछ कर ले, मैं कंसेंट नहीं दूंगी, ये तूने मेरे साथ रेप किया, ये आपने अग्री कर लिया। मुझे बताइए, अपने आप को उस जगह पे रखो कि आपको स्लेव बनाया गया, आपके साथ जिसके खाते में आप आई, जिसके खाते में आप आई है एज अ प्रॉपर्टी, माले गनीमत, उसने आपके साथ सेक्स किया, ठीक है, उसने आपको अच्छा कपड़ा पहना दिया, ठीक है, उसने आपको अच्छा खाना खिला दिया, बिरयानी खिला दिया, सब कर दिया उसने, आपके साथ सेक्स किया उसने, उसके बाद उसको जरूरत पड़ी, उसने मार्केट में जाके आपको बेच दिया, उसको घोड़ा खरीदना था, उसको फलाना ढिमकाना कुछ भी खरीदना था, उसने मार्केट में जाके आपको बेच दिया, आप बन गई मार्केट की जीनत, कोई तीसरा आदमी आ रहा है, आपको देख रहा है कि भाई ये मेरे लिए फिट होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप एक अभी प्रोडक्ट है, तो आपको चेक कर रहा है, आपकी कीमत अदा कर रहा है, और आपको लेके जा रहा है अपने घर पे, आपने उसने आपके साथ जो है सेक्स किया, आपको अच्छा खिलाया पिलाया, कुछ महीनों के बाद जो है उसने भी आपको बेच दिया, आगे बेचा भी क्या है। मैं अभी बताता हूं, मैं जो भी बात करता हूं ना कृष्णा जी, वो एकदम दलील की रोशनी में करता हूँ। आपको उर्दू आती है? मैं उर्दू में ही बात कर रही हूँ। नहीं, पढ़नी आती है उर्दू? हाँ जी जी आती है। ये लीजिए, इसको जूम कर देता हूँ मैं। ये किताब का नाम पढ़े ऊपर, स्क्रीन को मैक्स थोड़ा सा और ज़ूम कर दो सर, शायद नहीं दिख रहा होगा, और ज़ूम करूं जी प्लीज। अच्छा
अब दिख रहा है जी? हाँ जी हाँ, क्या लिखा हुआ है ऊपर? इसके बाद नहीं नहीं ये 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 तारीखे खबरी जिल्दों तबरी तबरी खबरी नहीं तबरी हाँ जी हाँ तारीखे तबरी जिल्दुम हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231 सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लस गजवा बनू कुरैजा। ठीक है, ये कौन सी बुक है? हाँ। ये हदीस की बुक है, तारीखे तबरी। हाँ सी रसूलुल्लाह की जो सीरत है बायोग्राफी है उसकी किताब है ये। ओके ठीक है ओके हाँ अच्छा ये पढ़िए अभी। इसके बाद इसके बाद बनू अब्दुल क्या है अब्दुल सहल के साथ बिन जैद अंसारी को रसूलुल्लाह ने करी। थोड़ा आवाज आपकी स्लो हो गई है, थोड़ा माइक नजदीक ले ले। बनू करीजा की लोंडी गुलामों को देखकर नजद भेजा ताकि दो उनको वो उनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहे खरीद लाएं। उनकी औरतों में से ठीक है, उनकी औरतों में से रसूलुल्लाह ने रेहाना बिनते उमरो बिन ज़फ़ाहा बनू उमरो बिन कुरैज़ा की एक औरत को खुद अपने लिए इंतखाब फरमाया या आपकी वफात तक आपके पास रही, और वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन असल बात क्या है कि बनू कुरैज़ा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। आप सोचो यार, सेक्स करने के बावजूद, यानी सेक्स भी किया आपने, सेक्स भी अलाउड है आपको, और आपको बेचना भी अलाउड है क्योंकि वो आपकी मिल्कियत है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। कितना डिस्गस्टिंग कोई हो सकता है यार, वो रसूल कैसे हो सकता है जो इस तरीके के काम में खुद इन्वॉल्व। मैं आपका आर्ग्यूमेंट ले लेता, मैं रसूलुल्लाह पे कभी स्लेवरी के ऊपर सवाल नहीं उठाता अगर रसूलुल्लाह इस काम में इन्वॉल्व नहीं होते। मैं आपका पॉइंट बाई कर लेता कि भाई अगर अगर सोसाइटी में कुछ गंदगियां ऐसी चल रही है जिसको एक झटके में नहीं निकाला जा सकता तो उसको टाइम लगता है, इस वजह से रसूलुल्लाह को भी टाइम लगा। मैं उस पॉइंट को ले लेता, मैं कभी रसूलुल्लाह के बारे में जो है ना वो स्ट्रीम नहीं करता स्लेवरी को लेके। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि खुद रसूलुल्लाह भी इस गंदगी में इन्वॉल्व थे, उन्होंने बांदी के साथ लौंडी के साथ सेक्स भी किया, उनको बेचा भी, उनके जो सहाबा थे वो भी सेक्स करते थे, वो भी बेचते थे। और आपने खुद कहा, और सोचो यार कि ऐसे को हम रसूल बनाए बैठे हैं यार। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं? हाँ प्लीज करो। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? हाँ, पहले आपने वो लाइन चीजों को मान ले, अगर नहीं आप प्लीज जरा चुप कीजिए कृष्णा जी, मेरे बात आपने वो लाइन बोलनी है कि बे रसूल ने बुरा काम किया, रसूल बुरे थे। देखिए आप जो भी, एक मिनट जरा चुप कीजिए, मैं अगर ये बात मान ले, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, ठीक, तो अगर मैं इन चीजों को मानती हूँ, आपकी इस बात को मान लो, ठीक है, मुझे मान चुकी है आपके बुरे इंसान है आपके रसूल। नेक्स्ट सवाल कीजिए, सिर्फ मानती नहीं आप, मान चुकी है और यहाँ पे अभी बताइए कि क्या जो हमें ये जो आखिरत के नाम पे डराया जाता है, क्या मतलब आखिरत का कॉन्सेप्ट आखिरत है ही नहीं है, मतलब मरने के बाद कुछ नहीं क्या? ओके, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। अच्छा, ये तो साबित हो गया कि आपके रसूलुल्लाह को रसूल तो दूर की बात है, एक अच्छा इंसान भी कोई साबित नहीं कर सकता वो जिस काम में मुलव्विस थे। ठीक है, ये तो साबित हो गया। अच्छा क्रिस्टीना जी, आप पढ़ी लिखी है जी, ओके, मुझे एक बात बताइए कि जो मरने के बाद वाली बातें हैं जी, ठीक है, आखिरत है, कबर का अजाब है, क्या आज तक किसी मरे हुए ने बताया आपको आके कि यार मैं मरने के बाद जो है वो देखो मेरे को अजाब हुआ था, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए आया, कभी बताया? देखिए आपकी बात ठीक है, पहले इस सवाल का जवाब दो। ठीक है, नहीं बताया, लेकिन किसी ने ये भी नहीं बताया कि आगे कुछ भी आगे कुछ नहीं है, ये भी किसी ने नहीं बताया। नहीं नहीं हाँ ठीक है, लेकिन जो नहीं बताया ये तो कंफर्म बात है ना? ठीक है ठीक है, है ना, ये तो
ये तो एक हमारी सोच है कि हो सकता है, लेकिन हमारे सामने जो हमारे नजर के सामने है वो ये है कि एक बार आदमी मर जाता है, अब उसको आप लाख कुछ भी पटक लो, कुछ भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ही इज सिंपली डेड। तो मेरे आंखों के सामने जो चीज है वो ये है कि एक बार आप मर गए आपकी लाइफ खत्म, और जो बता रहा है वो साबित नहीं कर सकता, और जो चीज साबित नहीं कर सकता उस पे मेरी पकड़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब साबित ही नहीं करोगे तो मेरी पकड़ क्यों करोगे। अच्छा, वो बता भी कौन रहा है, ऐसा शख्स जो कि एक अच्छा इंसान भी नहीं है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं ये आपको डराया गया है। जी, मैं ये बात कर रही थी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये कोई चीज ये बात साबित नहीं करता, ठीक है, आपको किसी ने अभी तक ये प्रूव नहीं किया कि ऐसा कुछ है आगे, या चलो ये भी नहीं कि क्या कि मतलब ये सही है या गलत है, ठीक है, आपको किसी ने ये भी प्रूव नहीं किया अभी तक, ठीक है, हाँ। तो क्या अगर मतलब इसके बाद अगर आप मर जाते हैं और उसके बाद हाँ। मतलब अगर है ऐसा कुछ कि लाइफ आफ्टर डेथ है, ठीक है, तो क्या आप पॉसिबिलिटी में आप चल रही है, तो हाँ जी, पॉसिबिलिटी में अगर लाइफ आफ्टर डेथ है तो आप क्या समझते हाँ। हैं कि आप इस चीज से बच जाएंगे कि सिर्फ इस चीज से कि आप लाइल्म थे? नहीं, मैं लाइल्म नहीं हूँ। सबसे पहली बात सुनिए, मैं लाइल्म नहीं हूँ, ठीक है। ये इतनी घटिया अगर कोई खुदा होगा जो इस बात पे मेरे को पनिशमेंट देगा जो चीज साबित ही नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूँ ये सबसे घटिया खुदा होगा जो इस बात पे मुझे सजा देगा जो कि वो साबित नहीं हो सकती, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी सारे लोगों की आ जाती है कि भाई जो हो सकता है कि क्रिश्चियन वाला खुदा हो सकता है कि हिंदू वाला भगवान हो, आपका अल्लाह ना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब हाँ कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी पे जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको साबित नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, जब मैं ये पैटर्न देखता हूँ, एक तो आपका रसूल जो है वो तो इंसान कहलाने के लिए लायक नहीं है, तो उसकी सारी बातें मेरे लिए झूठ से ज्यादा, गप से ज्यादा कुछ नहीं है, ना साबित किया जा सकता, ना वो खुद अच्छा इंसान है। उसकी जिंदगी में मैंने लूटमार देखा, और उसके बाद बीवी को जो है एक पैंटी यानी हैज की हालत में जो कपड़ा लगता है वो एक से ज्यादा उसको नहीं दिला सकता जो इंसान, वो तो एक अच्छा शौहर भी नहीं है, तो रोल मॉडल भी नहीं हो सकता एज अ शौहर। ओके, तो ऐसे शख्स की तो सारी बातें मेरे लिए इनवैलिड है। प्लस मैं दुनिया का मामला ये देखता हूं कि कभी भी किसी को अपने काबू में रखना है तो वो दो चीजों से होता है, एक लालच और एक डर। सेम काम जो है वो इस्लाम ने अपनाया, आप अगर ये करोगे तो आपको 72 हूर मिलेंगी, जन्नत में जो है शराब मिलेगा, शराबन तहूरा, इसकी दूध की नदियां बहेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, जो मर्द है उसके लिए वहां पे अनलिमिटेड जो है सेक्स मिल रहा है, लालच। अच्छा, डर भी सुन लो। ओके, आपने अगर नहीं किया तो आपके सर पे खीले ठोके जाएंगे, आपने ये नहीं पढ़ा आपको ये सजा मिलेगी, आपने इस ना दिखने वाले ना साबित किए जाने वाले अल्लाह को नहीं माना, आपको जिंदगी भर हमेशा हमेशा इटरनली जो आपको जलाया जाएगा, ये डर। तो जब मैं देख रहा हूं कि ये दो चीज जिससे कभी भी आवाम को कंट्रोल किया जाता है, वही दो चीज का सहारा तो इस्लाम ले रहा है, बाकी तो इसके अंदर कोई चीज है नहीं। जी आप बोलिए। अब तो मैं भूल गई मैं क्या पूछ रही थी। तो ये देखो क्रिस्टीना जी, अभी जितनी बातें हुई है इससे तो बिल्कुल साबित हो चुका है कि आपका इस्लाम भी झूठा, आपके रसूल भी झूठे, रसूल तो छोड़ दो अच्छे इंसान भी नहीं है, और ना जन्नत जहन्नम को साबित किया जा सकता, और हम ये भी पैटर्न देख रहे हैं कि लोगों को डराने के लिए इसी दो चीज का सहारा लिया जाता है, डर और लालच। तो आप इस गंदगी से पूरी तरीके से बाहर निकलिए। लेकिन अभी मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे तो अच्छा एक चीज है, देखिए एक हाँ। बेसिकली जो इस्लाम है वो तो बिलीफ और फेथ पे चलता है, ठीक है। अब एक फेथ है अगर वो आपको सुकून दे रहा है, ठीक है, कहाँ सुकून दे रहा है, उसमें गंदगी है।
गंदगी देख, अच्छा एक बात बताओ, सुकून का कोई पैरामीटर है? मुझे सुकून गाना सुनने में आता है, तो गाना सुनना सही हो जाएगा? किसी को सुकून जो है, सुनो मेरी बात, किसी को सुकून जो है वो चर्च में जाके मिलता है, तो चर्च में जाना सही हो जाएगा सबके लिए? किसी को सुकून मंदिर में जाके मिलता है, किसी को योगा करने से मिलता है, किसी को ध्यान में मिलता है? देखो सुकून से कोई ये नहीं बनता है कि वो चीज सही है, उसमें अगर अच्छी चीज है तो अच्छी मानी जाएगी, बुरी चीज है तो बुरी मानी जाएगी। सुकून की क्या बात है, सुकून से क्या लेना देना? आपने अभी देखा आपके रसूल का कैरेक्टर क्या था, अब वो भले से ही कुछ भी सुकून की चीज आपको लगे या ना लगे वो तो है ही गलत। लेकिन एक बात ऐसे नहीं कि आप अल्लाह पे भी नहीं मानते, मतलब खुद क्रिएटर पे मानते ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर होगा तो ठीक है होगा, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर खुदा होगा तो वो मुझे इस बात पे सजा नहीं देगा कि मैं उसको माना या नहीं माना, ज्यादा से ज्यादा मुझे वो इस बात पे सजा दे सकता है कि मैंने अच्छे काम किए या गलत काम किए, तो मेरे लिए वो खुदा जो है वो इंसाफ वाला होगा, जो अगर है भी वो मुझे मेरे गलत काम या अच्छे काम पे मुझे सजा या जजा दे, ना कि इस बात पे कि भाई मैं उसको मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं, क्योंकि खुदा दिखता नहीं है किसी को, तो वो चीज पे मुझे नहीं पकड़ सकता जो कि साबित ही नहीं हो सकता। हाँ मैं अच्छे काम कर रहा हूं तो मुझे उस, अगर कोई खुदा है वो मुझे उसका बदला दे रहा है, या मैं बुरे काम कर रहा हूँ तो उसका। अच्छा, मेरे को आप ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम है ये मैन मेड है, ये कोई खुदा का कोई दीन नहीं है? अभी आपके सामने तो बताया ना, जिसका रसूल ही गंदा हो उसका बनाया हुआ मजहब जो है, आपको मालूम है हजरत आयशा क्या कहती है रसूल के बारे में? क्या देखिए मैं आपको बताता हूँ हदीस, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिए। sunna.com ओपन हो जा, योर लॉर्ड एसन इन फुलफिलिंग योर डिजायर, सर्च करके देखते हैं आती है क्या। हाँ मिल गई, ये देखिए ओके। कौन सी है हदीस तुम्हारी, इधर आई ओके okay? यह है हदीस नंबर 4788 सही बुखारी की, दिख रहा है सही बुखारी दिख रहा है ना? एक सेकंड, दिख रहा है। अच्छा जी ठीक है, सही बुखारी हदीस नंबर 4778 प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान तफसीर ऑफ द प्रोफेट ओके जी। ये क्या कहती है? द मोस्ट हाई यू ओमहिनत कैन पोस्टपोन द टर्न ऑफ हिम लीगल यू विल ऑफ देम लेवाइट एंड डू सही सब उर्दू कर दो, छोड़ दीजिए। हां हां उर्दू कर दीजिए, उर्दू इसमें नहीं है, नहीं इंग्लिश आती है ना, ये पढ़िए। ज़ूम करूं क्या? जी नहीं मैंने कर लिया। I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's messenger. Okay, I used to look down. Okay, and I used to say, can a lady give herself to a man? But when Allah revealed you, O Muhammad, get forth from the turn of whom you will of them survive, and you may receive any of them whom you will, and there is no blame on you if you invite one whose turn you
have set aside. I said to Prophet, I feel that your Lord questions in fulfilling your wishes and desires. क्या मतलब है इसका? आयशा कहती है कि मैं उन औरतों को नीचा देखती थी, ठीक है, जो अपने आप को रसूल के लिए हिबा कर देती थी, यानी वो सामने से कहती थी रसूलुल्लाह मुझे ले लीजिए, ठीक है, लुक डाउन अपॉन, मैं देखती थी उनकी तरफ, लुक अप की जैसा था लुक, अरे आई यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन, अरे बाबा ओके ठीक है, क्या यार अभी इंग्लिश भी समझाना पड़ेगा. I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's Messenger. मैं उनको नीचा देखती थी, यानी नीचा समझती थी उन औरतों को जो अपने आप को रसूल के लिए हिबा कर देती थी. And I used to say, और मैं कहती थी, हिबा means gift कर देना अपने आप को. Okay. अपने आप को gift कर देना. Okay. Okay. Can a lady okay. give herself to a man? क्या एक औरत अपने आप को दे सकती है किसी आदमी को? तो आयशा को बड़ा अजीब लगता था कि यार ये लड़कियां जो है, औरतों जो है, औरतें जो है, वो खुद से अपने आप को किसी मर्द को कैसे दे सकती है एज अ गिफ्ट. अच्छा, बट व्हेन अल्लाह रिवील, अच्छा इस पे क्या हो गया, अल्लाह ने आयत उतार दी, कौन सी वाली? एक तो 33 की 50 है, वो भी मैं आपको बताऊंगा हिबा वाली, और उसकी साथ ही फिर 51 में है के यू ओ मोहम्मद कैन पोस्टपोन द टर्न ऑफ हुम यू विल ऑफ देम योर वाइव्स. ये कहते हैं अल्लाह इनको स्पेशल परमिशन दे रहा है कि आप जो है पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी अगर किसी बीवी की बारी है तो रसूलुल्लाह अगर चाहेंगे तो उस बारी को वो पोस्टपोन कर सकते हैं कि भाई मुझे तेरे पास नहीं आना है आज. एंड यू मे रिसीव एनी ऑफ देम हुम यू विल. अगर मैंने समझो कि आज किसी की बारी नहीं है लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि उसी के साथ डिंगी डिंगी करना है, तो मैं पहले वाली की पोस्ट जिसकी बारी है उसको पोस्टपोन करके मेरा दिल जहां चाह रहा है मैं उसके पास जाऊंगा. एंड देयर इज नो ब्लेम ऑन यू इफ यू इनवाइट वन हूज टर्न यू हैव सेट असाइड. और फिर जिसको तुमने पोस्टपोन किया था टेम्परेरली, उससे आपने डिंगी डिंगी करना बंद कर दिया था, आपके ऊपर कोई मलामत नहीं है अगरचे आप उसको फिर से बुला ले, हालांकि उसकी टर्न नहीं है, उसके बावजूद भी उसको बुला ले जिसको आपने टेम्परेली रोक के रखा था. ये कुरान की आयत 33 की 51. इस पे आयशा कहती है, आई सेड टू द प्रोफेट, आई फील दैट योर लॉर्ड हेजेंस इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर्स. तुम्हारा रब ये घाई करता है, जल्दी करता है तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने में. ठीक है, लेकिन ये तो आयशा समझ यार सही बुखारी की, अब और क्या ऑथेंटिक बताऊं आपको, सही बुखारी है. और देखो ये कितनी सारी हदीसें है इसमें, ये देखिए सही बुखारी की 4788 है. इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूं. ओके, ये देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर जो अभी मैंने आपको बताया था 4788, ठीक है. उसके बाद मिश्कात अल मसाबी में भी यह हदीस मौजूद है. ठीक है, इट सीम्स टू मी दैट योर लॉर्ड हेजेंस टू सेटिस्फाई योर डिजायर. हाँ, क्या लेकिन क्या? नहीं उर्दू में क्या? नहीं मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये हाँ. मतलब ये ट्रांसलेशन तो डिफरेंट लोगों की है ना, मतलब एक बंदे ने ट्रांसलेट नहीं किया होगा इसको, तो मल्टीपल लोगों ने ट्रांसलेट किया होगा. नहीं, एक ही बंदे ने किया है इसको, सही बुहारी को. हाँ ना यार, आपको उर्दू में दिखाऊं क्या? नहीं ठीक है, उर्दू में दिखाऊं तो बोलो, उर्दू में दिखा देता हूँ. हाँ ये देखो, ये अरबी में क्या है, कुलतु मा उरा रब्बा का इल्ला युसार यूफी हवा. देखिए अरबी में भी लिखा हुआ है और ये लो उर्दू पढ़. अच्छा, उर्दू भी आप पढ़ के देख लीजिए, नीचे लेके आइए, नीचे लाऊं? हाँ नीचे लेके आओ, तर्जुमा किधर है उसमें? एक सेकेंड, ये लो, यही है ना? नहीं और जाओ, ये अरबी है, ये अरबी है. अच्छा हाँ, हाँ यहाँ पे ये देखिए,
तो नीचे लिखा है आपने अलग नीचे आओ और आओ। अरे कितना बड़ा है। हाँ आइए देखिए, जो औरत अपने नफ्स को रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि इनमें से जिसको चाहे अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, ये कौन और सी आयत जिनको है? 33 की 51, मैं दोनों आयत आपको कुरान में भी बता दूंगा, ठीक हदीस है? सही है आयत में? नहीं नहीं, नहीं, उसमें अरे मेंशन यार है। हदीस में ये आयत की जो बात हो रही है ना, वो 33 की 51, ठीक है? तो कहती कहता है अल्लाह के, फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, इनमें से जिसको चाहे अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को फिर तलब कर ले, जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा, आयशा कहती है, तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। घाई करता है आपका अल्लाह आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में। आप सोचो, आयशा तो समझ चुकी थी कि यार ये तो बड़ा ऐसा इंसान है जो कुछ भी इससे सवाल करो या गलत लगो ये फटक से आयत उतार देता है। ये कौन सा ऐसा खुदा है भाई, इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतनी बड़ी यूनिवर्स, इसमें इतनी सारी अनगिनत गैलेक्सियां है, हमारा एक दाने बराबर का वजूद नहीं है पूरी यूनिवर्स में, उसका अगर कोई मालिक है उसको इन बातों में इंटरेस्ट होगा कि रसूल को परमिशन दिए बैठा है कि भाई हिबा कर लो, जो हिबा करना चाहती है वो तुम्हारे लिए हलाल है, रात के मामले में तुम एक बीवी को अगर टाइम नहीं देना चाहते वो तुम्हारे लिए हलाल है, कोई उसमें गुनाह नहीं। ये खाली के कायनात अगर वाकई में होगा और अगर ये अल्लाह होता तो वो इस चीज में पड़ा होगा कि रसूल की ख्वाहिशात को पूरी करते बैठे। वो आयशा समझ चुकी थी। आयशा बराबर कहती है कि मुझे तो लगता है, मैं तो समझती हूँ कि आपका रब जो है लेकिन देखिए आपकी मेरी बात ख्वाहिशों सुने। अभी को जैसे पूरा करने अभी जैसे देखिए मुझे, मैं टू बी ऑनेस्ट, इस हदीस के बारे में ना पता है ना, वो आए थे जिनका आप मेंशन कर रहे हैं उनका पता में। मैं है। अभी आयत ठीक है, बता देता हूँ यार, लेकिन देखो मैंने ये तो क्या, मैं आपको आयत बताता हूँ ओपन करके, ये लीजिए आपके सामने आयत, एक मिनट रुकिए। आज इंशाअल्लाह आपके दिमाग से ये जो इस्लाम की पूरी गंदगी है पूरी इसको निकाल के भेजेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए मैं आपको उन दो तीन आयतों का बताता हूं। अच्छा, इस अभी जो मैं आपको आयत बताऊंगा ना, उस आयत में भी रसूलुल्लाह को एक्चुअली रोस्ट किया अल्लाह ने, और रसूलुल्लाह की आदत बताई है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, पढ़ते जाइएगा, आपके घर में कुरान है तो आप उसमें भी इसको क्रॉस चेक कर सकती है, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए, ये है। इनफैक्ट मैं एक्चुअली, देखा जाएगा तो अगर नाजिया का मामला नहीं होता तो मैं ये आज इसी पे स्ट्रीम करने वाला था, लेकिन नाजिया का मामला सामने आ गया करके मैं बोला इसको कभी बाद में कर लेंगे। ये देखिए 33 की 50, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 क्या कहती है? या अय्युहन नबी इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरहुन वमा मलकत यमीनुक मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक वबनाती अम्मिक वबनाती अम्मातिक वबनाती खालिक وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا। अब देखिए उर्दू इसका ट्रांसलेशन देखिए। ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनको मेहर तुमने अदा किए हैं,
सुन रही है ना आप क्रिस्टीना जी? जूम कीजिए थोड़ा सा। अच्छा जूम कर लेता हूँ। ओके ये 250 पे बहुत ज्यादा जूम हो जाएगा, ठीक है इतना? ओके ये देखिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। कहाँ गया? हाँ ये 33:50, ये देखिए। ऐ नबी हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके मेहर तुमने अदा किए हैं और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आई। ये देखिए लौंडी भी हलाल कर दी अल्लाह ने। वो खाली के कायनात बैठ के वो यहाँ पे लौंडियों को हलाल कर रहा है, माल सप्लाई कर रहा है, लड़कियों की भरपूर। लो भाई